तुम मत रही उदास क्योंकि अब आ गया इतिहास इंग्लिश पिटारा लेकर और आपका स्वागत स्वैग से करते हैं। चलिए आज देखेंगे फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब एक होता है वर्ब, यहां है फ्रेजल वर्ब, ठीक है। तो फ्रेजल वर्ब का फॉर्मेशन कैसा होगा पहले हम उसको देखेंगे। फ्रेजल वर्ब जो है वो वर्ब प्लस प्रीपोजिशन से बनेगा, ठीक है। वर्ब प्लस प्रीपोजिशन से देखा जाए, एक मिनट, लिखा हुआ है लुक, तो लुक आपका वर्ब है। लुक आपका क्या है? वर्ब है। लुक मीन्स क्या होता है? दिखना, ठीक है। लेकिन लुक में एट लग जाएगा, अब इसका मीनिंग कुछ और है। लुक में ऑन लग जाएगा, अब इसका मीनिंग कुछ और होगा। लुक फॉर, लुक आफ्टर, लुक अप, लुक इनटू, है ना। तो लुक जो है आपका वर्ब है और प्रीपोजिशन अगर लग जाएगा तो यह आपका क्या हो जाएगा? फ्रेजल वर्ब हो जाएगा, ठीक है। आज हमको यही पढ़ना है, ठीक है, देखेंगे। तो लुक में अगर एट लगेगा तो लुक एट का मीनिंग क्या होगा? वॉच, वॉच करना, ठीक है, देखना, ठीक है। तो देख कैसे रहे हैं आप? निगरानी कर रहे हैं, केयरफुल्ली देख रहे हैं, केयरफुल्ली देखना, ठीक है। इसलिए बोला जाता है लुक, लुक एट मी, लुक एट मी। तो हम पर आप देख रहे हैं, लुक एट द बोर्ड, तो बोर्ड पर आप देख रहे हैं तो केयरफुल्ली देख रहे हैं, ठीक है। तो याद रहे लुक में एट लगेगा, उसका मीनिंग क्या होता है? वॉच करना, वो भी केयरफुल्ली, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। लुक में ऑन लगेगा, तो लुक में अगर ऑन लगेगा तो उसका मीनिंग क्या होता है? कंसीडर करना। कंसीडर करना मीन्स क्या? गहरा विचार करना, ठीक है। चलिए अब आगे। लुक में फॉर लगेगा, लुक फॉर, तो लुक फॉर का मीनिंग क्या होता है? सर्च करना। कोई भी चीज आपका हिडन हो या लॉस्ट हो गया है, कोई भी चीज आपका हिडन हो या लॉस्ट हो गया है, ठीक है, तो वहां पर क्या बोलेंगे? लुक फॉर बोलेंगे। जैसे आपका बैग, बैग गुम हो गया, सो खोजना है, क्या बोलेंगे? लुक फॉर बोलेंगे। तो लुक फॉर में क्या आता है? सर्च करना, खोजना, ठीक है। अब आगे लुक आफ्टर। अगर लुक में अगर आफ्टर लग जाएगा तो लुक आफ्टर में क्या आता है? केयर करना, देखभाल करना, ठीक है, किसी का आप देखभाल कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या लगाएंगे? लुक आफ्टर, लुक आफ्टर, तो लुक वर्ब और आफ्टर प्रीपोजिशन, ठीक है। अब आगे लुक अप। लुक अप का मीनिंग क्या होता है? सर्च करना। तो कैसा सर्च करना? कुछ इससे कंसल्ट करना, एक मिनट। लुक फॉर, तो लुक फॉर का मीनिंग क्या होता है? सर्च करना। और लुक अप का मीनिंग क्या है? सर्च करना। तो ये सर्च करना कैसा? कोई चीज आपका गुम हो गया, उसको खोज लेना। और ये लुक अप में सर्च करना का मीनिंग क्या है? जैसे डिक्शनरी से आपको कोई वर्ड खोजना है, तो क्या वर्ड को आप इधर उधर गुम कर दिए हैं? नहीं, उसे कंसल्ट कर रहे हैं डिक्शनरी से कि अच्छा इसका मीनिंग क्या है। कोई बुक से कंसल्ट कर रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो बुक से क्या किया मैंने? कंसल्ट किया, ठीक है। तो वहां पर वो खोजना का मीनिंग होगा, ठीक है। हाँ, ये नहीं कि गुम हो गया है। चलिए अब आगे लुक इनटू। लुक इनटू मीन्स क्या होता है? इन्वेस्टिगेट करना, इन्वेस्टिगेट करना, ठीक है, इन्वेस्टिगेट, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होता है? इन्वेस्टिगेट, लुक इन टू, ठीक है। इसे पुलिस क्या करते हैं? इन्वेस्टिगेट करते हैं। लुक ओवर, लुक ओवर, तो लुक ओवर मीन्स क्या होता है? एग्जामिन करना, जांचना, एग्जामिन करना कोई चीज को, ठीक है, जांचना, ठीक है। तो लुक का मैंने पूरा फॉर्मेट को बताया, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन को भी देखा जाए बढ़िया से। चलिए अब इस पर क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन वन क्या कर रहा है? आई एम डैश द लॉस्ट कीज। हाँ, क्वेश्चन क्या कर रहा है? आई एम डैश द लॉस्ट कीज। ऑप्शन है ए में लुकिंग अप, लुकिंग अप, और बी में क्या है? लुकिंग फॉर। तो बताइए आपका आंसर क्या होने वाला है, जल्दी बताइए हमको। चलिए लुकिंग अप, तो यहां पर लॉस्ट कीज है, चाबी कहीं गुम हो गया है, उसे कंसल्ट नहीं करना, खोजना है उसको, ढूंढना है उसको, कहां चाबी गिरा है, ठीक है। तो उसके लिए तो लुकिंग फॉर आएगा, क्या आएगा? लुकिंग फॉर, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, बी। अब आगे बढ़ेंगे। अब आगे टू में क्या कर रहा है? आई एम, आई डैश, एक मिनट, आई डैश माय पेरेंट्स। ऑप्शन है ए लुक आफ्टर और बी है लुक ऑन। आपका आंसर क्या होगा, जल्दी बताएंगे। चलिए आपका आंसर होने वाला है लुक आफ्टर और लुक ऑन का मीनिंग क्या है, बताइए। लुक ऑन, ठीक है, खोजना, सर्च करना, और लुक आफ्टर मीन्स क्या होता है? केयर करना, देखभाल करना, ठीक है। तो मैं अपने पेरेंट्स को क्या करता हूं? देखभाल करता हूं। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन ए, तो आई लुक आफ्टर माई पेरेंट्स, ठीक है। अब आगे थ्री नंबर डैश
द वर्ड इन द डिक्शनरी। अच्छा ए में क्या है लुक अप, बी में क्या है लुक फॉर, दोनों खोजना का इंग्लिश है आपका, लुक अप भी है और लुक फॉर भी है, तो सही क्या होने वाला है जल्दी बताएंगे। अच्छा लुक अप मींस क्या होता है, कंसल्ट करना कोई चीज से, ठीक है, और लुक फॉर बोलेंगे तो खोजना, ठीक है, जैसे कोई चीज आपका गुम हो गया है सिर्फ चाबी, ठीक है कीज, तो यहां पर आपका कोई चीज गुम नहीं हुआ है, क्या हो रहा है डिक्शनरी से कोई वर्ड को खोजना है, जैसा थोड़ी की डिक्शनरी में जाकर वर्ड को मैसेज से गुम कर दिए मिला दिए, नहीं वहां पर कंसल्ट करना है, ठीक है, तो क्या होगा आंसर आपका लुक अप होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब आगे द पुलिस डैश द केस, तो बताइए ऑप्शन ए है लुक इन टू और बी क्या है लुक फॉर, तो पुलिस केस का क्या करता है इन्वेस्टिगेट करता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। चलिए आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर जवाब देंगे। जय हो।